खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी ललितपुर मुख्यालय से तालबेट ब्लॉक के अंतर्गत माता टीला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला थाना गांव, यहां पर न्याय विभाग के द्वारा एक बेहतर और बेहतरीन व्यवस्था के अंतर्गत सुलह समझौते के साथ साथ विधिक सेवाएँ निःशुल्क दी जा रही हैं, जिसमें जिला विधिक प्राधिकरण के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं सचिव डॉक्टर सुनील कुमार सिंह से कि उन्होंने आज के शिविर में क्या उपलब्धियाँ न्याय विभाग के अंतर्गत दिए। तो आज कार्यक्रम में हमारे बीच में क्रम में श्री सुरेंद्र कुमार जी सहायक सूचना अधिकारी आप आए और मंच पर आसीन महोदय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आप अपने मुकदमों का सोल्यूशन आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लीजिए। जैसे इस गांव में, मैं जानता हूं कि इस गांव में बहुत सारे मुकदमे होंगे, आप अपने प्रधान के माध्यम से एप्लीकेशन दे सकते हैं। बस उसमें करना कुछ नहीं होता है, उसमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि जितनी पार्टीज हैं वो एक साथ आ जाए, एक सुलहनामा बन जाए, वो सुलहनामा तस्दीक हो जाए और कोर्ट के बाहर ही में यहाँ बैठ के आपके उन मुकदमों का निस्तारण करें। आप आए, जो इसीलिए हम लोग लोक अदालत तक आते हैं। आज एक परमानेंट लोक अदालत की व्यवस्था, वहां पे भी हम मुकदमे जो है मुकदमों में नहीं, हम कोर्ट के बाहर बैठ के उसको रिजॉल्व करते हैं, दोनों लोगों को समझाते हैं, मीडिएशन करते हैं, कंसीलिएशन करते हैं, आर्बिट्रेशन करते हैं, तमाम जो है एडीआर की फैसिलिटीज हैं जो सीपीसी में प्रोवाइडेड है। सिविल का कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि अगर पार्टी चाहे तो सोल्यूशन वो जो है बिना मुकदमा लड़े एक सुलहनामे के माध्यम से कर सकती है। वो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, विद्यालय का कोई क्वेश्चन था कि छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। हर चीज आजकल ऑनलाइन हो गया है। आपका विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम है पीड़ित के लिए है, तो उसमें भी सीएमओ साहब को ऑनलाइन उसका मेडिकल बुलेटिन जो है उसको उनको ऑनलाइन अपलोड करना होगा, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी आती है कि कहीं पे कोई बंगलिंग नहीं हो रही है, जिसको जितनी चोट लगी है उसको उतना हर्जाना मिल जाए, इसीलिए ये सारी सुविधाएं हैं ऑनलाइन की गई है। अगला जो लोक अदालत लगने जा रही है जो ललितपुर में लगेगी वो 10 अप्रैल को लगेगी, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तो आप लोग भारी संख्या में आए और आप ये जो आपने यहाँ से सीखा, जो मैंने आपको बताया कि आप अपने गाँव में जाए तो लोगों को बताएं कि जो उनके मुकदमे हैं उसको किस तरह से उसका निस्तारण करवाना है। 10 तारीख को लोक अदालत लगने जा रही है, 10 अप्रैल को, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। और मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम जो है हमारे मुकदमे जो है ललितपुर के, और ये पूरे जो है ये संदेश पूरे यूपी में जाए, मुख्यमंत्री तक जाए कि कितने मुकदमे हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किए। बहुत बहुत हम यहाँ किसी उद्देश्य से उपस्थित हुए, हम जिस काम के लिए उपस्थित हुए हैं इसे समझना आवश्यक है कि आखिर ये कार्यक्रम क्यों किया गया है, किसके लिए किया गया है। आप ये जान लें कि ये सारे अधिकारीगण हमारे प्रेस मीडिया के सदस्य भी हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने भी ये जानने का प्रयास किया है और आपके प्रति संवेदनशील हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपको जागरूक करना है, आपको कानून के विषय में जानकारी देना है, आपको अपने अधिकार के विषय में जानकारी देना है, आपको यह एहसास दिलाना है कि आप कितने ताकतवर हैं। आप अपनी ताकत को न जानने के कारण बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी हो सकती हैं वो आपकी नहीं हो पा रही हैं, इसलिए आपको अपनी ताकत को पहचानना है। यह विधिक साक्षरता मिशन, विधिक रूप से सहायता दिए जाने की प्रक्रिया सरकार की एक प्रक्रिया है। हम एक गणतंत्र के नागरिक हैं, हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि यह कानूनी अधिकार है आपका,
सन 1987 में ही केंद्र सरकार ने संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया जिसमें यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि आप किसी भी कानूनी मामले में इसलिए पीछे नहीं रह सकते कि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हम जिस जगह पे हैं हम भी कभी कभी महसूस करते हैं कि हमसे बड़ा कोई है और कानूनी रूप से हम उससे लड़ नहीं पाएंगे। आप ही यह महसूस करते होंगे, लेकिन यह सारी जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है, हमारा सोच है, वह केवल इस कारण से है कि हम जागरूक होकर उन विषयों की जानकारी नहीं कर पाते हैं जो सरकार ने, जो हमारे गणतंत्र ने, हमारे संविधान ने, हमारी शासकीय व्यवस्था ने हमारे लिए दे रखा है। हम इसको समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, इसको जानने की कोशिश नहीं करते। आज का यह कार्यक्रम इसी उद्देश्य से स्थापित है, केवल आप लोगों के लिए है, आपको यह बताने के लिए किया गया है कि किस किस को निःशुल्क बिना किसी फीस के अधिवक्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि जितने लोग उपस्थित हैं किसी न किसी श्रेणी में निश्चित रूप से आ जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति बिना कोई फीस दिए अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है। जब उसे किसी जानकारी के लिए, किसी व्यवस्था के लिए कानूनी अड़चन आ रही है, उसके लिए कानूनी सलाहकार की जरूरत है, अधिवक्ता की जरूरत है, तो उसे निःशुल्क अधिवक्ता दिया जा सकता है। विकास प्राधिकरण के सचिव, सीनियर डिवीजन जसपाल, हमारे बीच में उपस्थित अपर जिला अधिकारी महोदय, सर जी बताएं कि आज फरियादियों आपके पास आए हैं और उनको क्या सुविधाएं विधिक नीति के अंतर्गत दी गई हैं? देखिए, हमारी मुहिम तो चल रही है। आज ये रणछोड़ धाम के बाद ये दूसरा विधिक साक्षरता शिविर लगा था। हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, उनको बता रहे हैं कि जो है जनता जनार्दन जो है वो कितनी पावरफुल है आज की डेट में। जिस तरह से कि हनुमान जी को बताना पड़ता था कि उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, उस तरह से हम लोगों को घर घर जाके बताना पड़ रहा है, गाँव गाँव जाके बताना पड़ रहा है कि उनकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, वो कितने सशक्त हैं इस समय। अभी इस समय जो माहौल चल रहा है कि किसानों का जो है वो दिखाया जा रहा है कि किसानों का गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और जहां तक मैंने जो फील किया कि वो लोग गवर्नमेंट से बहुत खुश हैं और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो हम उनको बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो एडवर्टिज़मेंट्स पे हम लोगों ने, जब मैं ललितपुर आया तो यहाँ पर जो हम लोगों को लीगल पैनल, जो हमारे लॉयर्स थे, पैनल ऑफ लॉयर्स, तो वो बताने थे कि जो जाके जो लोग नहीं लड़ सकते हैं मुकदमा, उनके लिए फ्री लीगल एड उनको जो है ये लीगल जो हमारा पैनल है लॉयर्स का, ये इनको दे रहे हैं। तो हम उनको एनरोल कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, और जो हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है, उनकी लिस्टिंग हो गई है, अपलोड हो गया है सब कुछ, और इनको हम, इनके पास आई कार्ड होंगे। वो 24 हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं हमारे पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैल जाएंगे, और उनके हेल्पलाइन नंबर्स हमने जो है उनको अवेलेबल कराए हैं। जो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ आई थी इस वाले जो थाना गांव में जो ये लगा था प्राइमरी स्कूल में, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हुआ। वहाँ के क्षेत्राधिकारी CO भी थे, ADM साहिबान थे, SDM थे, वहाँ के प्रधानाचार्य थे, प्रोबेशन ऑफिसर थे, और हमारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे। तो बहुत अच्छा मैसेज गया है उस एरिया में। और मैंने ये भी कहा वहाँ पे जाके कि देखिए, जिस तरह से कि भगवान कृष्ण ने जो है महाभारत काल में इन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया, जिस वजह से कि कितना डेमोलिशन हुआ। और फिर रामायण काल में वही हनुमान जी, अंगद जी को भेजा गया, नहीं माने जब रावण, तो उसका कितना विनाश हुआ। तो ये मैंने कोशिश की समझाने की कि कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। सर, ये मिशन जो चल रहा है, द्वार द्वार पहुँच रहा है न्याय, इसके अंतर्गत जो पूर्व में हमने देखा है जनपद में कि जो हमारे हमारे NGO होती हैं, ये NGO भी इसमें सहयोगी बनती हैं, तो क्या आपके मिशन में NGO को कुछ योगदान लेने का मिशन है थोड़ा? NGOs तो नहीं, हमारे यहाँ जो है NGOs वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पैरा लीगल वॉलंटियर्स हैं। ये क्षेत्र में जो ले के आएंगे,
हम जब लोक अदालतें लगाते हैं तो लोक अदालतों में हम कोर्ट के बाहर लोक अदालतें लगाते हैं ताकि वो बाहरी मैटर रिजॉल्व हो जाए, सिविल के मैटर्स सुलहनामा बन जाएं और जो न्यायालय के ऊपर जो बोझ है वो ख़त्म हो। इस समय कितनी पेंडेंसी है, सैकड़ों सालों, ये पचासों सालों से ये जो है मुकदमे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। सिविल का कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जो सुलह समझौते से नहीं हो सकता है। वैसे लाभार्थियों की जो सोच होती है कि जब उन्हें कहीं न्याय नहीं मिलता है तो न्याय के प्रति ही अपनी विश्वास जताते हैं। अब देखिए, एक सबसे बड़ी मुहिम हम लोगों ने जो चलाई, जो 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट थी और बीजेपी गवर्नमेंट थी, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट अब जाके लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि भाई अपराधी तो अपराध करके उसको हमको मैक्सिमम उसको सजा दे देंगे, लेकिन जो पीड़ित है उसको कैसे हम भरपाई उसकी करेंगे? अगर उसको भी तो न्याय मिलना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए कि न्याय मिला है। तो उसके लिए हम कॉम्पेंसेटरी स्कीम लेके आए हैं। जो कमिटी है जो गठित हुई है वो ये देखेगी कि ट्रांसपेरेंसी है, उसमें डिस्ट्रिक्ट जज हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, प्रोबेशन ऑफिसर हैं, मैं हूँ एज सेक्रेटरी डीएलएसए ललितपुर, और हम लोग ये कमिटी में रिजॉल्व करेंगे और क्वांटम डिसाइड करेंगे कि कितना उसको जो है कॉम्पेंसेशन दिया जाना है जो विक्टिम है, जो पीड़ित है। अगला सर शिविर कहाँ लगने का है? अब हम देखिए अमझार घाटी की कोशिश की तरफ हम बढ़ेंगे और उधर हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, भीड़ रहती है, तो हमारा जो है वो एरिया वो कैचअप करने का है कि हमको जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल जाएं, जनता के लोग हों वहाँ पे, ताकि हम उनको बता पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज जा पाए, जागरूकता फैले। तो अमझार घाटी हम कोशिश कर रहे हैं अगला जो है बना। आपसे जिज्ञासा है, पब्लिक जो जनता है, जनता जो आपके पास एक न्याय की आशा विश्वास लेकर आती है, तो उन फरियादियों को कभी ऐसे ऐसे लोग होते हैं, चूँकि जनपद पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ साक्षरता का अभाव भी है, तो वो अपनी एप्लीकेशन शिकायत पत्र जो तैयार होता है उसमें भी वंचित रहते हैं। ऐसे में आपके इस मिशन में कुछ इस तरह से अधिवक्ता हैं जो उनका शिकायत पत्र लिखने का भी सहयोग करेंगे? हाँ, यही तो पैरालीगल वॉलंटियर करते हैं काम, कि जो अनपढ़ गंवार जो है वो है लिटिगेंट है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, उसकी मान लीजिए उसकी एफआईआर ही लिखनी है, तो उसको हम अभी प्रेस के माध्यम से जितने हमारे पैरालीगल वॉलंटियर हैं उनके फ़ोन नंबर्स मोबाइल नंबर्स हम प्रसारित करेंगे और भी जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो भी देंगे, ताकि किसी को कभी भी, अब जैसे पुलिस की है सहायता 112 डायल नंबर है, आपने पहले 100 था अब 112 हो गया, उस पर आप फ़ोन करिए, आपको हर सुविधा मिल रही है, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की सर्विस है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई हो गया तो उसकी। अब जो क्षतिपूर्ति है उसमें देखिए, यहाँ पे चल रही है रानी लक्ष्मीबाई स्कीम, तो रानी लक्ष्मीबाई स्कीम में तुरंत उसको जो है जैसे ही एफआईआर होता है, अगर वो दरखास्त डालता है तो उसको कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट को दे देना है देर एंड देन। अब उसमें ये है कि उस समय कम मिलेगा, एक्स ग्रेशिया कम मिलेगा, लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट होगा, हमारे पास जब एप्लीकेशन आएगी, तो उसमें से हम 1,00,000 जो अगर उन्होंने दिया है वो निकाल के, और फिर जैसे 3,00,000 है टोटल तो 3,00,000 हम दे देंगे। अच्छा, ये कोई वो नहीं है कि जब उसका जजमेंट होगा तभी उसको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, नो, आपका एफआईआर लिख गया तो आपको कॉम्पेंसेशन हमको देना है। अगर आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अब ये एप्लीकेशन कौन डालेगा? वर्तमान में जो घरेलू हिंसा का बोलबाला है, पति पत्नी में, माँ बेटे में, पिता पुत्र में, ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं, अनेक ऐसे मतलब प्रार्थना पर शिकायत डोमेस्टिक वायलेंस के हैं हमारे पास केसेस, तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस तो सबसे बड़ा जो है अस्त्र है ये हमारी महिलाओं के पास है, और इसमें यहाँ पे जैसे ही मुकदमा फाइल होता है तो वैसे ही प्रोबेशन ऑफिसर से हम रिपोर्ट तलब करते हैं, तो प्रोबेशन ऑफिसर उसमें जाके और वो पूरा रिजॉल्व करता है उस चीज़ को, तो वो बहुत बड़ा एक अस्त्र है महिलाओं के पास डोमेस्टिक वायलेंस में, और उसमें सिविल का भी है और क्रिमिनल का भी है, दोनों पार्ट्स उसमें कवर हो जाते हैं। जैसे 125 का मेंटेनेंस ये अलग चीज़ है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस में है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसमें सीधे प्रोबेशन ऑफिसर घर जाके और वो पूरी रिपोर्ट लिख लेता है जो है, और वो रिपोर्ट सबमिट करता है, होम स्टडी रिपोर्ट टाइप की होती है। हमारे साथ थे डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिला विधिक से प्राधिकरण के सचिव हैं, और हमारे ललितपुर में जब से उनका पदार्पण हुआ है तब से न्याय विभाग के अंतर्गत होने वाले निस्तारण, लोक अदालत, सुलह समझौते में एक बेहतर रौनक आई है और फरियादियों के पास न्याय पहुंच रहा है, जिससे फरियादी अपने न्याय से माध्यम से कानून का विश्वास जताते हुए अपने निस्तारण को
अपनी शिकायत को निस्तारण के तौर पर देखते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और जिला जज, आपकी पूरी टीम पूरी तरह से फरियादियों के साथ मिलकर चल रही है। आगामी जो हमारा सिविल लगेगा वो अमजरा घाटी के अंतर्गत लगेगा। आपका मानना है, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह का मानना है कि हम धार्मिक और तीर्थ क्षेत्रों पर इसलिए इस तरह की सिविल लगा रहे हैं, एक तो धर्म भावना से जुड़ा हुआ है, दूसरा वहाँ पर श्रद्धालुओं का, दर्शकों का आगमन बना रहता है, और उनकी योजना है कि हम इस मिशन को डोर टू डोर, द्वार द्वार पहुँचाकर फरियादियों को अधिक लाभ पहुँचाएँ। तालबेट ब्लॉक के अंतर्गत थाना गाँव से ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.